नमस्कार मित्रों, आपका हमारी एग्री अकादमी स्वागत है। आज मैं लौकी की उन्नत खेती कैसे करें इसके संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लौकी कितनी महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। लौकी कुकरबिटेसी कुल की या कुष्मांड कुल की सब्जी है। इसका वानस्पतिक नाम लेजिनेरिया सिसेगेरिया है और इसमें क्रोमोजोम की संख्या 22 पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और भारत के क्षेत्रों में पाया गया। डिकेंडोल 1882 के अनुसार इसके जंगली पौधे दक्षिणी अफ्रीका एवं भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाए गए और हैसर 1973 के अनुसार स्वतंत्र रूप से इसकी खेती दक्षिण अफ्रीका एशिया एवं भारत में प्रारंभ हुई, क्योंकि इसके जंगली पौधे पर्याप्त संख्या में दक्षिणी अफ्रीका और भारत में पाए जाते हैं। लौकी कुकरबिटेसी या कुष्मांड कुल का एक शाकीय पौधा है। यह वर्षा एवं ग्रीष्म की प्रमुख फसल है। ग्रीष्म काल में अगर देखा जाए तो कुल जितनी भी सब्जियां उगती हैं उसमें कुष्मांड कुल की सब्जियां सबसे अधिक उगती हैं। कुष्मांड कुल के पौधों की उत्पत्ति के विषय में सदैव ही विवाद रहा है। सब्जियों की खेती का प्रमाण 7,000 से 5,500 ईसा पूर्व ग्रंथों में मिलता है। लौकी के फल का छिलका मिस्र के पैरामिड में 3,500 वर्ष 3,300 वर्ष ईसा पूर्व में पाया गया। कुष्मांड कुल के पौधों की खेती भारतवर्ष में आदिकाल से की जा रही है। इस कुल की सब्जियां विशेष रूप से प्रायः सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जाती हैं। इस कुल के पौधे जंगली रूप में खरपतवारों की भांति उगते हैं। इसकी खेती वर्षा काल में और वसंत ऋतु में की जाती है और जो आपके ठंडे इलाके हैं वहाँ पर इसकी खेती ग्रीष्म काल में की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं लौकी को विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। इसकी सब्जी बनाई जाती है, मिठाई बनाई जाती है और इसके औषधीय रूप हैं और इसके तुम्बा या बीन बाजा भी बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसको सुखा करके दवाओं को काम में लाया जाता है। इसके औषधीय गुण बहुत हैं। वैद्यों के अनुसार ये पथ्य के लिए बहुत अच्छा है। टीबी रोग के उपचार में इसका उपयोग होता है। उच्च रक्तचाप वालों के लिए इसकी आवश्यकता होती है और ये उनको बहुत फायदा करता है। गर्म प्रकृति वाले मानव हेतु इसका बहुत ही लाभदायक है। औषधि के रूप में काम होता है। जिसके पैरों में हाथों में जलन होती है उसको लौकी का जूस अगर पीने को दिया जाए तो उससे उसको फायदा होता है। पेट के रोगों में बहुत फायदा करता है। पीलिया रोग से इसको बचाव करता है। गुर्दे का दर्द, दांतों का दर्द और कब्ज में इसका रस विशेष रूप से लाभकारी पाया गया है। लौकी में अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, कैल्शियम, इसके अतिरिक्त जिसमें आपके पोटेशियम 87 मिलीग्राम, गंधक 10 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 5 मिलीग्राम, विटामिन ए, विटामिन सी और इसमें 12 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें निकोटिक अम्ल होते हैं। इस प्रकार से सब्जी पोषक तत्वों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको प्रत्येक रोगी के लिए जो बुखार से या से पीड़ित हो उसको दिया जा सकता है। जलवायु के हिसाब से यह गर्म और तर जलवायु की फसल है। इसको न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस आवश्यकता होती है। इससे अधिक तापमान होता है तो परागकणियां प्रभावित होती है और फल नहीं मिलते। औसतन 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जहाँ तक भूमि का सवाल है, इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, परंतु बलुई दोमट या दोमट भूमि की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है। और ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो, क्योंकि वर्षा काल में यदि पानी भर जाता है तो इसके पौधे नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है इसके क्षेत्रफल और उत्पादन उत्पादकता की। तो इसकी खेती के हिसाब से 2013-14 में क्षेत्रफल 103.23 हजार हेक्टेयर था, जिससे उत्पादकता 13.67 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो कि 2015-16 में बढ़कर के 149.0 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल हुआ और 2,458 हजार मीट्रिक टन इससे उत्पादन हुआ और उत्पादकता 15.50 थी। 2016-17 में इसका क्षेत्रफल बढ़ा 155 हजार हेक्टेयर और 2,573 मीट्रिक टन इससे उत्पादन प्राप्त हुआ और इसकी उत्पादकता 16.6
ये आंकड़े सब NHB 2018 के आधार पर हैं दिए गए हैं। लौकी की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें दो प्रकार की प्रजातियां मुख्य हैं, लंबे फलों वाली और गोल फलों वाली। तो इसमें लंबे फल वाली प्रजाति में आपकी पंत लौकी 3, पंत लौकी 4, पंजाब लौंग, पूसा संदेश, पूसा समर प्रोफिट लौंग, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत प्रमुख हैं। और गोल फल वाली प्रजातियों में पूसा समर प्रोफिट राउंड, पंजाब कोमल, पंजाब राउंड और पूसा मंजरी प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सी प्रजातियाँ हैं जिसमें पंत लौकी 3 की पैदावार दिखाई गई है इनमें सभी प्रजातियों की। पूसा नवीन है, पूसा संदेश है, CO1, काशी गंगा, और पंत लौकी 3, पंत लौकी 4, 250 से 300 कुंटल पैदावार इनकी पाई गई है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रजातियाँ अरका बहार, अरका नवीन, कल्याणपुर लॉन्ग ग्रीन, आजाद नूतन, सम्राट, और ये कुछ प्रजातियाँ अभी विकसित हुई हैं जिसमें NDBG 10, NDBG 619, NDB 132, NDBG 104, ये सब विकसित की गई फैजाबाद से। इसके अलावा ये कुछ प्रजातियाँ हैं जिनकी यहाँ पर पैदावार दी गई है, इसमें आज़ाद हरित 160 से 225, पंजाब कोमल 400 से 500, 450 टन प्रति हेक्टेयर, अरका बहार 400 से 450। इसके अलावा संकर प्रजातियों में पूसा मेघदूत बहुत पुरानी ये प्रजाति है लेकिन अब भी प्रचलन में है, उसके बाद पूसा मंजरी, उसके बाद पंच संकर लौकी 1, पंच संकर लौकी 2, पूसा हाइब्रिड 3, काशी बहार और NDBH 4, NDBH 7, ये प्रजातियाँ प्रमुख हैं जो संकर प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त पंच संकर लौकी 1, पंच संकर लौकी 2, पूसा हाइब्रिड 3, काशी बहार, काशी गंगा भी संकर प्रजातियों के उसमें हैं। नई प्रजातियाँ NDB 10, 619, 132 और 104 मैंने आपको बताएं। अब है इनके बीज की बुआई कब और कैसे की जाती है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में इस प्रमुख रूप से दो फसलें ली जाती है, एक वर्षाकालीन फसल, दूसरी ग्रीष्मकालीन फसल। तो वर्षाकालीन फसल के लिए मैदानी क्षेत्रों में बुआई जून जुलाई में की जाती है और ग्रीष्मकाल की फरवरी मार्च में की जाती है। इसके अतिरिक्त बाहर वाले इलाकों में जून जुलाई में, फरवरी मार्च में इसकी करते हैं, तराई क्षेत्र में जून जुलाई और फरवरी मार्च में करते हैं, पहाड़ी निचले क्षेत्र मार्च मई तक और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल से मई तक, घाटियों में मैदानी क्षेत्रों की भांति ही बुआई की जाती है और दक्षिण भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसे वर्ष भर उगाया जाता है क्योंकि इसको ठंडे तापमान पाले से काफ़ी हानि होती है। पॉलीथीन की थैलियों में भी इसको बीज बो सकते हैं। आजकल नवंबर दिसंबर के महीने में जब तापमान कम होता है और भी मुख्य रूप से जब तापमान वातावरण का 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो इसके बीजों का जमाव नहीं होता है। तो कुछ लोग जो अगेती खेती करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, किसी की एक कमरे की ऐसी व्यवस्था करें जिसमें हवा का आवागमन बहुत अधिक न हो और बहुत ज़्यादा उसमें खिड़कियाँ ना हों। ऐसे कमरे का चुनाव करने के बाद आप उसमें कि पॉलीथीन की जो थैलियाँ आती हैं बाज़ार में, आधा किलो मिट्टी वाली, 1 किलो मिट्टी वाली ले सकते हैं और उनमें आप आधा किलो या 1 किलो मिश्रण भरने के लिए मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें एक भाग मिट्टी, एक भाग बालू और एक भाग गोबर की सड़ी हुई खाद, तीनों को बराबर मात्रा में मिला लेते हैं और 20 से 25 ग्राम प्रति 10 किलो मिट्टी में कीटनाशी दवा और ये कापराक्सी क्लोराइड मिला करके मिश्रण तैयार कर लेते हैं और उसके बाद थैलियों में बीज को भर लेते हैं। बोने से पहले इसमें थोड़ा सा नमी होनी चाहिए, से मिट्टी जो आप वो मिश्रण तैयार करते हैं उसमें हल्की नमी होनी चाहिए और उसमें फिर प्रत्येक थैली में आप दो दो बीज बो करके उन थैलियों को उस कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। चूँकि बाहरी वातावरण तक कम है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें, उस कमरे के अंदर एक अंगीठी, कोयले की जो अंगीठी होती है उसे अंगीठी को जलाएं। जब उसकी धुआं ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जब अंगीठी गर्म हो जाती है उसको एक आधा घंटे के लिए उस कमरे के अंदर रख दीजिए। तापमान उसका कमरे का 20-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाए तो उसके बाद उसको अंगीठी को आप निकाल दीजिए और इस तरह से आप कम से कम 1-2 सप्ताह तक करते रहिए तो जो बीज आपने बोया है थैलियों में वो बीज जम जाएगा और उसके बाद पौधा धीरे धीरे उसमें तैयार हो जाएगा
और इस प्रकार से आपकी जो आपने नवंबर में बोया है उसकी पौधे आपको फरवरी के प्रारंभ में तैयार मिल जाएंगे, इनको फिर आप खेत में लगा सकते हैं। और जो दिसंबर में बोएंगे उनके भी पौधे आपको 30-35-40 दिन की अवस्था में तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इस प्रकार से अगर आप बोते हैं तो आपको लगभग 1 माह पहले फसल तैयार हो जाती है, क्योंकि फरवरी में जब आप 15 फरवरी के बाद भूमि का तापमान 19 के डिग्री के आसपास होता है, और उस समय यदि आप पौधों के सीधे रोपाई कर देंगे तो आप जो उगने में बीजों के समय लगेगा उससे समय की बचत होगी, और पौधे की रोपाई कर देंगे तो आपको जल्दी फसल भी मिल जाएगी। तो इस तरह का आप कर सकते हैं, इसको ऑक्सीजन कल्टीवेशन भी कह सकते हैं, या नदियों के किनारे नवंबर के महीने में ट्रेंच नाली बना करके उसमें बीज की बुवाई कर देते हैं और पश्चिम साइड से उसे कांच से ढक देते हैं जिससे कि पाले का प्रभाव उसके ऊपर न पड़े, और इस प्रकार से पौध बढ़ती रहती है। जब पौध धीरे बढ़ जाती है तो बाद में उनको मिट्टी से धीरे धीरे बंद करते रहते हैं, और बाद में फिर आपको फरवरी मार्च में पौध तैयार होकर के उसमें जल्दी फल आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पॉलिथीन की थैलियों में पौध तैयार करके इसमें आपका खीरा, करेला, तुरई, लौकी, सभी जो कुछ मांड कुल की सब्जियां हैं इनको उगा सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर, मिर्च, बैंगन के पौधों को भी पॉलिथीन की थैलियों में उगा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उनको भी आप उगा सकते हैं। अब बात आती है बीज की मात्रा और उसका उपचार। तो 1 हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और बीज को बोने से पहले कवकनाशी दवा थायराम या कैप्टन 2 से 3 ग्राम दवा 1 किलो बीज में मिला करके उसको उपचारित करना चाहिए, या आजकल ट्राइकोडर्मा मिलता है बायो एजेंट, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि फिर किसी भी हालत में आपको कवकनाशी दवा का उपयोग नहीं करना है। ट्राइकोडर्मा 8 से 10 किलोग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लगता है, और इसको लगाने का तरीका है कि बीज को आप पहले हल्के में पानी में भिगो दीजिए, और भिगोने के बाद में फिर उसके बाद ट्राइकोडर्मा उसके ऊपर छिड़क दीजिए और उसको भलीभांति से मिला करके, और उसके बाद फिर बीज की बुआई करें। तो इस तरह से आप ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं। और कवकनाशी दवा से उपचार करते हैं तो इसके लिए एक घड़ा ले लें और घड़े के अंदर बीज को डाल करके उसमें दवाई डालें 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, और उसके घड़ों को हिलाएं तो उससे बीज जो के ऊपर आपकी कवकनाशी दवा है उसकी एक हल्की सी परत जम जाती है, और उसके बाद बुवाई करते हैं तो आपके बाद में लगने वाली बीमारियां नहीं लगती हैं। अब बात आती है खाद और उर्वरक की। तो पोषक तत्वों के लिहाज से लौकी के लिए काफ़ी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें गोबर की खाद आप 150 से 200 कुंटल 20 से 25 दिन पहले रोपाई के या बीज बोने के खेत में मिला करके भली बात खेत में मिला देना चाहिए। उसके अलावा 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से आधी मात्रा नाइट्रोजन की और संपूर्ण फास्फोरस पोटास खेत की अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देते हैं, और बची ही नाइट्रोजन को 2-3 भागों में बांट के उसको कई भागों में देते हैं, और इस प्रकार से आप खादों और उर्वरकों को दे सकते हैं। अब बात आती है बीज बोने की विधियाँ। तो इसमें समतल विधि है, खेत को आप तैयार करके उसमें सिंचाई के आधार पर उसमें छोटी छोटी कई नालियाँ बना ली जाती हैं, और उसके बाद फिर उसमें बीज की बुवाई की जाती है। थाला विधि प्रयोग में लाई जाती है, मैनों पर भी बीज बो सकते हैं, वर्षा काल में विशेषकर मैनों पर बीज बोया जाता है, और कूण विधि ग्रीष्म काल में कूण विधि में या नाली विधि में बोते हैं, और पॉलिथीन की थैलियों में बीज की बुआई की जाती है। बीज बोने की दूरी, क्योंकि पौध काफ़ी बढ़ती है वर्षा काल में तो उस समय 2.5 मीटर से 3 मीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और पौधे से पौधे 1.5 से 2 मीटर की रखते हैं। ग्रीष्म काल में 2 से 2.5 मीटर की कतार रखते हैं कतारों की दूरी, और 1 से 1.5 मीटर की पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। अब बात आती है सिंचाई की। सिंचाई के लिए इसमें लौकी में 15 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है, और इसलिए एक सिंचाई यदि आप सीधे खेत में बीज बो रहे हैं तो एक पलेवा के रूप में सिंचाई करनी चाहिए, जिससे खेत में पर्याप्त नमी हो जाए और बीज का अंकुरण ठीक से हो सके। तो ग्रीष्म काल में फसल में बीज अंकुरण के लिए नमी होना बहुत ही आवश्यक है। ग्रीष्म काल के समय पर सिंचाई अति आवश्यक है और प्रत्येक सप्ताह करनी चाहिए। वर्षा काल में जून जुलाई के महीने में यदि वर्षा नहीं हुई है तो सिंचाई की आवश्यकता है, यदि वर्षा हो जाती है तो सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद जुलाई से वर्षा प्रारंभ हो जाती है
तो सितंबर तक इसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जल निकास की उचित आवश्यकता होती है। और बलुई दुमट भूमि है तो उसमें एक सप्ताह के अंतराल से सिंचाई कर सकते हैं, और थोड़ा भारी भूमि है दुमट या मटियार दुमट तो उसमें 10 से 12 दिन के अंतराल से आप सिंचाई कर सकते हैं ग्रीष्म काल में। और जो बेल काफ़ी बढ़ती है तो इस बेल का कोई भी ऐसा भाग जैसे तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, वो पानी में डूबे नहीं रहने चाहिए, अन्यथा पानी में ये डूब करके कुछ समय बाद फिर उनमें सड़न प्रारंभ हो जाती है, जो कि पैदावार के हिसाब से हानिकारक है और उसमें काफ़ी नुकसान होता है। अब बात आती है वृद्धि नियामकों की, मैलिक हाइड्राजाई, क्योंकि बेल ज़्यादा बढ़ती है तो उसको रोकने के लिए मैलिक हाइड्राजाई 50 ppm का घोल बना करके 2 से 4 पत्ती की अवस्था पर 2 छिड़काव कर देते हैं 15-20 दिन के अंतर से, तो आप इसकी पौधों को कम कर सकते हैं। दूसरा है टीबा 2-4-5 ट्राई हाइड्रोबेंजोइक एसिड, इसका 50 ppm घोल के 2 छिड़काव दूसरी या चौथी पत्ती आने पर करने से माला पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है और फलों की संख्या भी अधिक होती है और पैदावार में वृद्धि पाई गई है। अब बात आती है कर्षण क्रियाएं आपको कौन कौन सी करनी है, तो इसमें निराई गुड़ाई करनी है, पौधों को सहारा देना है, टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करनी है, थालों की गुड़ाई करनी है, ये सभी कर्षण कार्य आपको समय पर करते रहना चाहिए। और खरपतवारों से विशेष रूप से फसल को बचाना चाहिए, और 2 कतारों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें आप पलवार का प्रयोग कर सकते हैं, और पलवार के लिए आप किसी भी प्रकार के ये कांस, गन्ने की सूखी पत्ती, पुआल या पेड़ की सूखी पत्तियाँ, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बीच का हिस्सा है या तो आप उसमें कुछ बो सकते हैं, या कुछ नहीं बोना चाहते हैं तो पलवार डाल देंगे तो उससे खरपतवार नहीं उगेंगे, बाद में बेल उसके ऊपर फैला दी जाती है और जिससे फल सड़ने से बच जाते हैं। अब बात आती है रोग और बीमारियों की, तो रोग इसमें मुख्य रूप से रोग जो लगता है रुक्ष रोग लगता है, कोलेटोट्राइकम लेजिनेरियम, इसे कापर ऑक्सीक्लोराइड दवा आती है बाज़ार में ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देते हैं तो इस रुक्ष रोग से बचा जा सकता है। और जब पौधे में 2-3 पत्तियाँ आती हैं उसी समय से पहला छिड़काव करना चाहिए, उसके 20-25 दिन बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए, उसके बाद फिर तीसरा छिड़काव करना चाहिए, तो 3-4 छिड़काव करके इस रोग से बचा जा सकता है। एक बीमारी मृद रोमिल आशिता, या इसको मृद रोमिल फफूंदी यह कहते हैं, इसमें सीडो पेरेनोस्पोरा क्यूरेंसिस होती है, जिसके पौधे बहुत ही कमज़ोर और बीमार जैसे लगते हैं देखने पर, इसको मैनकोजेब का छिड़काव या डाइथेनम 45.5 2-5 का घोल बना करके उसका छिड़काव 15 दिन के अंतर से करते हैं तो इस बीमारी से फसल को बचा सकते हैं। एक चूड़ल आशिता लगती है, इसमें सफ़ेद रंग का पाउडर पत्तियों की निचली सतह पर और ऊपरी सतह पर पाया जाता है, और जहाँ पर अधिक नमी होती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फैलता है। इनिसाइफी चिकोरे सीरम नामक कवक होती है, इसके द्वारा लगता है, और इससे बचाव के लिए यदि वातावरण का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप सल्फेक्स का 0.2% का घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, और यदि तापमान आपका 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कैराथिन दवा एक बाजार में मिलती है, उसकी 6 ml मात्रा 10 लीटर पानी में घोल करके 0.06% का घोल बना करके 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करते हैं तो चूर्ण आशिता से फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा एंगुलर या कोणीय पर्ण धब्बे मिलते हैं जो कि आपको बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सीरोमोनास लैक्टिवेरम, इसमें कापर ऑक्सीक्लोराइड और इसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या क्लोरोमास्टिन दवा मिला करके उसका छिड़काव कर देते हैं तो इससे बचा जा सकता है। उसके अलावा जीवाणु मिलानी या बैक्टीरियल विल्ट इर्विनिया टेचीफाइला के द्वारा होता है, इसमें धारीदार बन जाती है, बीटल इसको फैलाता है तो इसको मारने के लिए, बीटल को मारने के लिए आप एमिडाक्लोरपीड या सेविन दवा का छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा मोजैक ये माहू के द्वारा फैलता है तो इससे बचाने के लिए माहू पर आप सर्फ पाउडर या साबुन का चूरा उसका छिड़काव कर दें या 0.1% का घोल बना करके मेटासिस्टाक दवा का छिड़काव कर देते हैं तो माहू को आप मार सकते हैं। अब बात आती है कुतरा कीट, कौन कौन से कीड़े इसमें प्रमुख हैं, तो एक तो कुतरा कीट लगता है, दूसरा रेड पम्पकिन बीटल लगता है जो बहुत ज़्यादा हानि करता है, तीसरा बिहारी हेडर कैटरपिलर, चौथा फल विदक कीट और फल पक्षी, माहू और नेमेटोड, ये किस्म कुछ
कीड़े लगते हैं। कुत्ता कीट से बचाने के लिए आप जब बीज थाला बनाते हैं तो उस थाले के समय पर थोड़ा सा फिरोड़ दवा उसमें डाल देते हैं तो उससे उसको बचा जा सकता है। रेड पम्पकिन बीटल लाल रंग की छोटा कीड़ा होता है जो उड़ करके फसल को प्रारंभ में समझो एक दो पत्तियां आना शुरू प्रारंभ करती है उसी समय, ये फरवरी मार्च के महीने में बहुत लगता है। तो इसे बचाने के लिए सेविंग दवा या राख का छिड़काव उसके ऊपर करें, या राख के साथ आप आधा राख और आधा सेविंग पाउडर या फॉलीडॉल डस्ट आती है उसको पतले कपड़े मसलिन का क्लोथ जो कपड़ा आता है उसमें लेकर के उसका सुबह के समय पकड़ भुरका कर देते हैं तो इससे बचा जा सकता है। या एक तरीका और है, पौधों के किनारे आप चौकोर हिस्से बना करके और 1 फीट ऊंचाई में पॉलिथीन की चादर से उसे बांध देते हैं सरकंडे से, तो इस तरह से भी उसको रोका जा सकता है। और 0.2% का घोल बनाकर इस सेविन का अगर छिड़काव कर देते हैं तो इससे रेड पम्पकिन बीटल से फसल को बचा सकते हैं। बिहारी हैरी कैटरपिलर है, ये दवा से नहीं मरता है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि खेत की चारों तरफ मेड़ों पर आप हेप्टाक्लोर धूल 5% का आता है बाजार में या BSC आती है उस दवा को लेकर के उसको डाल दें, या खेत के चारों तरफ 1 फीट गहरे नाली बना करके उसमें पानी भर दें जिससे कि इसका आवागमन रुक जाएगा, क्योंकि ये दूसरे खेतों से जहाँ पर पॉपुलर लगा हो वहाँ पर बहुत पाया जाता है। तो आसपास खेत के कोई इस तरह का पेड़ नहीं होना चाहिए जहाँ से एक कीड़ा लगे। और इसको प्रारंभ अवस्था में तो जब छोटे होते हैं तो इसको मारा जा सकता है, बड़े होने पर इनको नहीं मारा जा सकता। उसके बाद आती है फल विदक कीट या फल मक्खी, जब फूल आती है उसी समय अंडा दे देती है और बाद में धीरे धीरे अंडा ये बढ़ता रहता है, और बाद में फल जब बड़ा हो जाता है तो ये कीड़ा भी उसके अंदर बड़ा हो जाता है लार्वा और छेद करके बाहर आ जाता है। तो ये बचाने के लिए फूल आने की अवस्था पर एमिडाक्लोरपीड 0.1% का घोल बना करके पुष्पावस्था के समय पर या 0.2% का सेविन या थायोडान दवा का छिड़काव कर सकते हैं। मेलाथियान 0.1% का घोल बना करके भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फल विदक कीट से फसल की रक्षा कर सकते हैं। अब बात आती है माहू की। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए आप सर्फ पाउडर या साबुन का चूरा 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देते हैं तो माहू मर जाता है। और यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप 0.1% मेटासिस्टा या रोगर दवा का छिड़काव करके माहू को मार सकते हैं, क्योंकि यह विषाणु रोगों को फैलाता है। अब बात आती है नेमेटोड। नेमेटोड के मारा नेमीगॉन, नीम की खली या नीमैक्स बहुत सारी दवाइयाँ हैं। और घरेलू उपचारों में इसमें लकड़ी का बुरादा 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप खेत में डाल दें तो इस नेमेटोड से फसल को बचाया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि जब पौधे छोटे होते हैं और बीच में कतारों की जगह होती है तो उसमें कांस, गन्ने की पत्ती, लाही का भूसा, पॉलीथीन चादर इसका प्रयोग करते हैं, तो इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। और जो फल जो हमारे मिट्टी से छूने की वजह से खराब हो जाते हैं उनको बचाया जा सकता है, और ये नमी को भी संचित रखते हैं और खरपतवारों को उगने नहीं देते हैं। अब आती है फलों की तुड़ाई। तो प्रजाति के अनुसार जब फलों के साथ प्रजाति के अनुसार हो जाता है और जब मुलायम होती है तो उसी अवस्था में इसको सुबह के समय पर तोड़ करके और उसके बाद फिर इनको आप बाजार भेज सकते हैं। बाजार भेजने से पहले इनका चुनाव करें, छोटे छोटे जो फल हैं उनको एक साथ करें, बड़े फल हैं उनको अलग अलग रखें, और इस प्रकार से उनको करने के बाद आप इसको बाजार भेज सकते हैं। आकार के अनुसार इनका चुनाव करें। उसके बाद पैदावार, प्रजाति के अनुसार फलों की पैदावार। सामान्य प्रजातियों में ग्रीष्म काल में 150 से 200 कुंटल फलों की प्राप्त होती है, वर्षा काल में 250 से 350 कुंटल फलों की पैदावार होती है। संकर प्रजातियों में ग्रीष्म काल में गर्मी के समय पर 250 से 350 कुंटल प्रति हेक्टर फल की पैदावार मिलती है, वर्षा काल में 400 से 450 कुंटल फलों की पैदावार प्राप्त होती है। अभी कुछ फलों की प्रजातियां जिनको मैं दिखा रहा हूँ, ये पंचशंकर लौकी एक की फल ये आपको दिखाए गए हैं जिसका अनुमोदन 1999 में किसानों के लिए किया गया। इसके फल बेलनाकार 35 से 40 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और बेल की लंबाई 5.5 मीटर और प्रथम तुड़ाई 60-65 दिन बाद बीज बोने के प्राप्त हो जाती है और 400 कुंटल के करीब इसकी पैदावार है। दूसरी पंचशंकर लौकी 2 है, ये संकरण के द्वारा तैयार हुई है और 2001 में इसका अनुमोदन राजकीय स्तर पर किया गया है। फल
फल इसके 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर लंबे चिकने हरे रंग के होते हैं और प्रथम तुराई 65 से 70 दिन की अवस्था पर की जा सकती है और मार्च से जुलाई तक इसको मैदानी क्षेत्रों में और अप्रैल से मई तक पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसके ऊपर 400 से 450 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। उसके अलावा ये एक किस्म है अर्का बाहर के नाम से और ये IIHR बंगलौर से निकाली गई है जो किसानों के लिए अनुमोदित की गई है। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं। भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।